अंग्रेजों ने भी ऐसी करा था, कुछ दलाल तोड़े थे, कुछ जयचंद पैदा करे थे, किसी को कुछ भगाने की कोशिश करी थी, मगर भागना पड़ा था। हम तो गांव में थे, ये शहर के पढ़े लिखे कि क्या कर रहे थे, एयरपोर्ट बेचता रहा, रेल बेचता रहा, तेल बेचता रहा। रात को आते ही मोदी ने कर दिया, बम फाड़ दिया, मोदी ने खंभा उखाड़ दिया, भाजपा की जीत, ये सब सुनता रहा, उसका हैंग हो गया। एनआईए क्या कर लेगा, एनआईए, ये एईबीआई, सीबीआई, ईडीआई, एनआईए, ये क्या क्या कर लेंगी। ये जो टीवी वाले भोगते हैं, दो महीने हो गए मैं सुनते सुनते कि किसान अड़ा जिद पर, किसान अड़ा जिद पर। अरे चोर हम अड़े के वो अड़ा। जब तुम बूढ़े हो जाओगे ना चोरो, तो तुमसे तुम्हारे बच्चे पूछेंगे, पोता पोती, कि तुम देश से गद्दारी क्यों कर रहे थे चंद पैसों के लिए। जो पहले खाए उगा के मंदिर तो बनाना, वे कहाँ है, पहले वे तो लगा लो। अरे मंदिर के नाम पे भी रुपए चाहिए ना। अरे उसका क्या, जहाज में तेल गिर लिया, उसका तो हिसाब दे दे, पहले ले गया चंदा, पहले खा गया लुटेरो, नया चंदा मांगने आयो। ये न कहीं भीख भीख न मांगी, ये गया था बंगाल, ये सिक्का जादू, ये जादूगर, इसने जादू दिखा के वोट ले ली हमसे। जो 8 साल का घर से चला गया था, तो फिर चाय कब बेची जब 35 साल भीख मांगी, 35, 38, 43 और 30 साल से उसके रथ पे अडवाणी के 73 और है यो 66 का, तो 6 साल तो ये फालतू हो रही है। जूतों से नहीं सब मारेगी, झाड़ू से। ये फौजी, ये आर्मी का जवान शहीद पे जश्न मनाएगा, ये टीआरपी लेगा, थूकता भारत। ये रिया की चैट नहीं है जो 2 महीने चलेगी देश में, ये कुत्ता स्वामी की चैट है, गोला स्वामी की, भांग का गोला खाता। गुरु नानक का लंगर सदियों से खिलाया है और भूखों को रोटी खिलाई है, लॉकडाउन में तुम्हारी सरकार हराई है, हमें पूछ रहे हो फंडिंग, तुम्हें हजारों करोड़ के दफ्तर बनाए, बताओ फंडिंग कहाँ से आई है। तू निकला दलालों का दलाल, और दलालों में तुझे हासिल महारत है, अब जाएगा कब जेल में, पूछता मेरा भारत है। थाली कही तो थाली बजाई, थाल कहेंगे थाल बजाएंगे, वक्त रहते मान जा अब लठ बजाएंगे। 5 कुंटल के सांड को किसान बगल में देकर नाल दे दे दवाई की, ये तो 1 कुंटल के ही है, इन्हें नाल देकर दवाई देकर जब ठीक करके जाएंगे। हिंदू राष्ट्र के नाम पे गुलाम बनने जा रहे हैं, ये टूपे जो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र आ रहा है, कौन सा हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र तो केवल बेवकूफ बनाने के लिए है, जो राजपूतों को और ब्राह्मणों को। 92 और 2004 में जो चंदा किया था, जिसपे पूरा शोर मचा था, कोर्ट में भी केस चला है उसपे चंदे पे, तो पहले तो उसका ही हिसाब दे दो। अरे 28 मुकदमे दे दो, का महात्मा आगे लगे काऊ के, अब इसने सत्ता में आके अपने गुंडे ने मुकदमे माफ करा लिए तो का साहूकार बन गया। जैसे ये भगवा चोला पहन के अपनी गुंडई छुपाए फिर रहे हैं ना, जो अपराधी बलात्कारी अपने आप को भगवाधारी सन्यासी कह रहे हैं, अब देश जान गया है जो भगवाधारी गुंडे हैं। रामदेव की और बारी, ऐसे भगा भगा के मारेंगे, ऐसे योगा करवाएंगे, चिंता मत करो। किसान आंदोलन के 55 दिन, आज 19 जनवरी को बातचीत होनी थी, सरकार ने बातचीत कैंसिल कर दी, 20 जनवरी को होगा, 11वें दौर की बातचीत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम किसानों को दिल्ली में परेड करने से नहीं रोक सकते हैं, 3 समिति में 1 का इस्तीफा, क्या माना जाए। सरकार घुटनों पर है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नैतिक जीत हुई है किसानों की, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर मना कर दिया, जबकि इस देश में ऐसा होता रहा है कि अब तक एक र्यूमर होता था, अब तक एक खबर बताई जाती थी कि अगर आंदोलन हो रहा है तो सड़क जो है वो आंदोलनकारी जाम करते थे, पहली बार आंदोलन हो रहा है इसमें सड़क जो है वो पुलिस जाम कर रही है। हमेशा की तरह मलिक साहब हैं, जिनको जिन्होंने गाजीपुर बॉर्डर को संभाल रखा है। मलिक साहब इसको जीत मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक लगाने से मना कर दिया, अब क्या करेंगे आप। जीत क्या, सुप्रीम कोर्ट तो सच के साथ है, सुप्रीम कोर्ट को पता है कि किसान दिल्ली क्यों नहीं आ सकता, यहाँ क्या वो लगी हुई है इस्टे आया हुआ कहीं से, जो दिल्ली किसान नहीं जाएगा। जब इस देश में सरकार के पास टैंक नहीं था 47 में, तो उन्होंने ट्रैक्टर मंगाए, परेड ट्रैक्टर से निकाली, इन्होंने गणतंत्र दिवस मनाया ट्रैक्टर की झांकी से, अब ट्रैक्टर अछूता हो गया, जो देश का पेट पाल रहा ट्रैक्टर दिल्ली क्यों नहीं जा सकता। ये सरकार को समझनी चाहिए बात, इस देश में देश किसानों का, दिल्ली किसानों की, किसान दिल्ली का, दिल्ली क्यों नहीं जाएगा। सरकार लेकिन उल्टा कर रही है, आप लोगों के दर्जनों नेताओं को एनआईए की चिट्ठी आ गई है, लव लेटर बोलते हैं उसको। देखिए किसान, सरकार अपने हथकंडे आजमा रही है, अंग्रेजों ने भी ऐसी करा था, कुछ दलाल तोड़े थे, कुछ जयचंद पैदा करे थे, किसी को कुछ भगाने की कोशिश करी थी, मगर भागना पड़ा था, देश छोड़ना पड़ा था। ये आज़ादी की लड़ाई है इस देश में, इस सरकार से, सरकार ने इस देश का भट्टा बैठा दिया, भट्टा। जब अगर ये हमारी तरह, हम तो गाँव में थे,
ये शहर के पढ़े लिखे कि क्या कर रहे थे, एयरपोर्ट बेचता रहा, रेल बेचता रहा, तेल बेचता रहा, यहाँ रात को तेल का भाव डिसाइड होता है 12 बजे कि कल क्या रेट बिकेगा, फिर सरकार का क्या काम है? ये शहरी आदमी तो नहीं निकलेगा घर से, उसको क्या मतलब? उनको बाद में पता चला, वे बेचारे ड्यूटी करते रहे, वो बॉस के बॉस से वो सुबह 8 बजे जल्दी जल्दी घर से निकलते रहे, टिपन बांध गए और जल्दी फिर बॉस के पास जाना था, उन्हें समझ में नहीं आया। और उन्हें फिर ऐसा लगा उन्हें कि जो टीवी बोल रहा सच होगा। रात को आते ही मोदी ने कर दिया, बम फाड़ दिया, मोदी ने खंभा उखाड़ दिया, भाजपा की जीत, ये सब सुनता रहा, उसका हैंग हो गया। दिन में बॉस की डांट खाई, शाम को टीवी का भौंकना सुना, तो वो बेचारा समझता रहा सही काम हो रहा। हम खेत में थे, हमें पता नहीं था, महाराज बेच दिया। तो एनआईए से भी डर नहीं लगता आप लोगों को? एनआईए क्या कर लेगा? एनआईए, ये एईबीआई, सीबीआई, ईडीआई, एनआईए ये क्या क्या कर लेंगी? ये इनसे क्या भगत सिंह रुक गए थे? इनसे क्या 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 क्या, क्या गांधी जी मान गए थे? अरे ये सब इनकी कंपनी है, इनकी एजेंसी है, नहीं डरेगा। जो खेत में मारे जाने को तैयार है वो इनकी नोटिसों से क्यों डरेगा भाई? किसान पे क्या है ये सब नहीं चलेगा, इनका नया फॉर्मूला। पहले खालिस्तानी, फिर पाकिस्तानी, फिर चीन से फंड, फिर जो है टुकड़े टुकड़े गैंग, कभी कुछ चलाना है, कभी कुछ चलाना है बागड़ बिल्ले, अब ये नया फॉर्मूला ले आए, ये भी नहीं चलेगा। टीवी वाला कह रहा है कि आप लोग संविधान के खिलाफ हैं, इसलिए गणतंत्र दिवस परेड को रोकना चाहते हैं। देखिए हम रोकना नहीं चाहते हैं चोरों, अरे टीवी वाला सुन लो, भौंकना करो बंद। हम तो खुशी का त्योहार है मनाना चाहते हैं, हम भी शामिल होना चाहते हैं, देश हमारा है, हम तिरंगा लेकर जय बोलना चाहते हैं, हम बिगाड़ना कहाँ चाह रहे हैं? ये जो टीवी वाले भोगते हैं, दो महीने हो गए मैं सुनते सुनते कि किसान अड़ा जिद पर, किसान अड़ा जिद पर, अरे चोर हम अड़े के वो अड़ा, अरे सरकार अड़ी हम थोड़ी अड़े, हम तो खड़े अड़ी तो सरकार, हम तो खड़े जाने को, इन्हें शर्म नहीं आ रही। कब तक इस सरकार की चमचागिरी करोगे, कब तक इस सरकार की दलाली करोगे? जब तुम बूढ़े हो जाओगे ना चोरो, तो तुमसे तुम्हारे बच्चे पूछेंगे, पोता पोती, कि तुम देश से गद्दारी क्यों कर रहे थे? चंद पैसों के लिए देश से गद्दारी क्यों कर रहे थे? कल वाली बातचीत में क्या लगता है, कुछ उम्मीदें हैं? उम्मीद है, जाएंगे फिर कहेंगे चाय ले लो, फिर कहेंगे जी बताओ कानून वापसी ना हो रहा कुछ और कर लो, किसान कहेगा कानून वापसी क्यों नहीं हो रहा वही करो, वे कहेंगे कुछ और सुझाव दो, कुछ नहीं भाई, 20 के बिल्ली 20 के बच्चे 30 के वो होगा एंड, बिल्ली 20 के बच्चे 30 के। आप लोग राम मंदिर में बाधा बन रहे, अभी चंदा चल प्रोग्राम चल रहा है और आप लोग यहाँ मतलब जमीन के चक्कर में पड़े हुए, वहाँ 500 साल बाद जीत हो रही थी, मंदिर बनाने के लिए अभी आप लोग को लग जाना चाहिए था चंदा वसूली प्रोग्राम, जो पहले खाए उगा के मंदिर तो बनाना, वे कौन है पहले वे तो लगा लो, अरे मंदिर के नाम पे भी रुपए चाहिए ना, ये भुक्के हैं भिखारी हैं, पहले जो उगाए थे वे कहाँ खर्च हो गए, अरे उसका क्या जहाज में तेल गिर लिया, उसका तो हिसाब देते, पहले ले गए चंदा, हमारे गाँव में चंदा हो मंदिर पे भंडारे पे किस चीज पे, तो मंदिर की कमेटी पहला हिसाब दे के पहले चंदे का ही हिसाब है, अरे पहला हिसाब कहाँ है, पहला खा गए लुटेरो, नया चंदा मांगने आयो तुम किसान, और इस देश की जनता समझ गई है कि ढोंग लीला है ये जो है ना झांसाराम, ये ढोंगी बाबा, ये झांसाराम, ये झांसाराम जो है, जो झांसाराम जो है ये 8 साल का घर से भग गया था, ये न कहीं भीख भीख न मांगी, ये गया था बंगाल, ये सिक्का जादू, ये जादूगर, इसने जादू दिखा के वोट ले ली हमसे, एक बार बताओ ये हिसाब दे हमें, जो 8 साल का घर से चला गया था तो फिर चाय कब बेची, जब 35 साल भीख मांगी, 35, 8, 43 और 30 साल से उसके रथ पे अडवाणी के 73 और है यो 66 का, तो 6 साल तो ये फालतू हो रही है, अरे चोर तो हिसाब दे, तू पढ़ा कहाँ लिखा कहाँ, तेरी टीसी कभी क्या, मैं पढ़ा नहीं कभी क्या टीसी दिखावा, ये नकली बात है, समझ गया जहाँ, ये यूट्यूब का धन्यवाद है, यूट्यूब पर आकर फंसाओ क्यों, उसमें सब जानकारी पड़ी है इसकी, क्या क्या बोला इसने, क्या क्या कहा। तो ये कैसे, एक बात बताइए ना, अमित शाह ने अपने मुख्यमंत्रियों को मना कर दिया लेकिन बंगाल चुनाव जीतने तक तो आपको बैठना पड़ेगा? बंगाल चुनाव जीतने तक, अरे 24 का हारने तक भी यही है, हम ना जा रहे, इन्हें जब सदबुद्धि दे दे भगवान, जब यही है हम तो हम कहा जा रहे हैं, हम जाएंगे हमारा घर यही है, बस भैंस अपनी भैंस कटिया लेंगे, दूध यहीं निकालेंगे, हम यहीं डालेंगे, हमारा घर यही है, हम जा कहाँ रहे हैं। लेकिन अब तो अर्णब गोस्वामी भी आप लोग के पार्टी में आ गया, अर्णब गोस्वामी का चैट जानते हैं, उसने अमित शाह और नरेंद्र मोदी के लिए क्या कहा है बताओ? उसने रजत शर्मा को कहा है चूतिया, नविका कुमार को कहा है कचरा, पीएम को कहा है कि रोज़ मुझे गुजराती कविता भेज देते हैं, मुझे अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना होता है, और संबित पात्रा को तो सबसे ज़्यादा गाली दी है। उसकी फीस रोक ली होगी उन्होंने तो फीस वाला, अरे उसकी फीस नहीं दोगे तो आदमी उल्टा बोल ले गई, काम करा लोगे पैसे नहीं दोगे, उसके इस महीने के पैसे रह रहे होंगे दल लेके, वो दलाल है इनका,
देखिए जब 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 पुलवामा अटैक के दिन अर्णब गोस्वामी जश्न मना रहा था, ये जब ही तो मारेगी से जनता, इसे इसे जूतों से नहीं, इसे मारेगी झाड़ू से। ये फौजी, ये आर्मी का जवान शहीद पे जश्न मनाएगा, ये टीआरपी लेगा, थूकता है भारत। ये अब लगा पता मुझे तोतड़ा था, ये बोलता तो है थूकता है भारत, हम सुनते थे पूछता है भारत, गलतफहमी में हम थे सही था बेचारा, ये थूकता भारत पूछता है, इसे पता है। आपको पता है आप लोग के लिए अर्णब काम का आदमी हो सकता है। अब अर्णब को पीएमओ से 3 दिन पहले पता चल जाता है कि फैसला क्या होने वाला, आप लोग कहानी संपर्क करके पता कर लेते हैं बिल पर पीएम की क्या राय। किसान दलालों पर विश्वास कर लेगा, दलाल कद बेच दे, किसको बेच दे, कहाँ बेच दे, कुछ नहीं पता, दलाल पर भरोसा नहीं, वो दलाल है रजिस्टर्ड, वो किसान को ले जाकर यमुना पे बेच दे, सौदा कर दे, दलाल से दलाल से हमें कोई लेना देना नहीं। अब नोएडा, हाँ नोएडा आ गया, आज बम्बई छोड़ के भगाया, नो यहाँ आ गया, और फिर मुख्यमंत्री उसको संरक्षण करने के लिए 24 तारीख को मुख्यमंत्री भी आ रहा है, मैं आ रहा हूँ बेटा तू पहुँच, वो महाराष्ट्र में गिरफ्तारी के डर से आ गए। हाँ हाँ आ गए, यहीं बुला लिया। अर्णब की चैट है, रिया की चैट नहीं है, 2 महीने चलेगी ये, 2 दिन में गोल हो जाएगी, ये रिया की चैट नहीं है जो 2 महीने चलेगी देश में, ये कुत्ता स्वामी की चैट है, गोला स्वामी की, भांग का गोला खाता। 26 को आप लोग एकदम जाएंगे, जाएंगे ठोक के जाएंगे, अरे तिरंगा लेके जाएंगे, जश्न मनाएंगे, जय भारत माता बोलेंगे, राष्ट्रीय गान गाएंगे, एक फौजी एक किसान एक टैंकर एक ट्रैक्टर, इन्होंने चोरों ने जब इन पर टैंकर नहीं थे, जब तुम्हारे ट्रैक्टर से निकलवा ली 47 में, वही सवाल है। एक बात बताओ, आजादी के 15 साल तक ट्रैक्टर उसे ही निकली है, और हम तो फ्री के ट्रैक्टर दे रहे हैं, फ्री की झांकी दे रहे हैं, हम गवर्नमेंट का पैसा भी खर्च नहीं करवा रहे, किसान और खर्च कर रहा है अपनी तरफ। आप लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं सरकार, अरे ब्लैकमेल हम क्या कर रहे हैं, सरकार खुद ब्लैकमेल है, अरे हम क्यों सरकार को ब्लैकमेल करेंगे। अच्छा आप तो एक आप तो वकील है, ENI की चिट्ठी आ गई है, आप तो जेल जाना पड़ेगा। जी नहीं, ENI की चिट्ठी किस पर आई आपको पता है, लंगर के ऊपर चिट्ठी आई है। अरे मैं उनके मुंह पर पूछता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अरे गुरु नानक के लंगर को चैलेंज करते हैं, गुरु नानक का लंगर सदियों से खिलाया है और भूखों को रोटी खिलाई है, लॉकडाउन में तुम्हारी सरकार हराई है, हमें पूछ रहे हो फंडिंग, तुम्हें 1000 करोड़ के दफ्तर बनाए, बताओ फंडिंग कहाँ से आई है, 1000 करोड़ के दफ्तर बने हुए हैं, फंडिंग का हिसाब हमें दो, हम 2 रोटी का हिसाब आपको दे देंगे। और ये अर्णव की बात चल रही थी, अर्णव तो दलालों का दलाल निकला, दलालों का दलाल निकला, आप पूछोगे दलालों का दलाल कैसे, अरे मोदी अमित दलाल हैं उसके, अंबानी और अंडानी के, और ये इनका दलाल निकला, तू निकला दलालों का दलाल, तू निकला दलालों का दलाल, और दलालों में तुझे हासिल महारत है, अब जाएगा कब जेल में, पूछता मेरा भारत है, पूछता मेरा भारत है। ये आप लोग कविता भी लिख देते हैं, मैंने अभी खड़े खड़े 2 पंक्तियां भी लिखी हैं और भी लिखी हैं, अरे टकराएगा किसानों से मोदी जी, मिट जाएगा, मैंने पहले भी बोला था मोदी तुमसे बैर नहीं, गर किसानों का दुश्मन तो तेरी भी खैर नहीं। और सुनो कि क्या कहता है कि मेरे किसान आतंकवादी है नक्सलवादी है चले जाएंगे, अरे दुनिया हिलाई हमने सरकारें पहले भी, इतिहास उठाकर देखना किसानों का, हिलाई सरकारें पहले भी आज भी हिला देंगे, टकराएगा किसानों से मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, रहोगे ना आसमान में, रहोगे ना आसमान में। खट्टर साहब करनाल के अंदर आसमान में घूमता रहा जब किसानों का लट पड़ा था करनाल में, छोड़कर चला गया था, रहोगे ना आसमान में, रहोगे ना पताल में, धरती से वजूद मिटा देंगे, धरती से वजूद मिटा देंगे। और क्या कहता है कि कभी लंगर के लिए नोटिस भेजता है, अरे मोदी जी हमें दुख होता है, 125 किसानों की शहादत हो चुकी है, लगता है ना ये दबाव सरकार के इशारे पर काम हो रहा है। ऐसा है जितने मर्जी इशारे कर ले, ये किसान किसी इशारे की परवाह नहीं करता, ये क्या करता है, इतना सम्मान करता है मोदी, महामारी के टाइम तुमने कहा था थाली बजाई, थाली कही तो थाली बजाई, थाल कहेंगे थाल बजाएंगे, वक्त रहते मान जा अब लठ बजाएंगे, लठ बजाएंगे। लेकिन एक बात तो है, ये अभी वक्त लेकिन चंदा का था, चंदा वसूलना था, हिंदू मंदिर बनाना था, आप लोग झूठों के यहाँ बैठे हुए हैं, झूठे हमें कहिए हैं, अरे ये नू कह रहे हैं, आपने देखा टीवी 1 महीने पहले उन्होंने नया पोप गंडा रचा के किसान सरकार समझाए किसान को 700 पंचायत करेंगे, 1 महीने में उन्होंने हिम्मत करी 1 पंचायत करने की, खट्टर की करी 699 के इनका बाबा करेगा, गांव वाले इंतजार कर रहे हैं, काला तेल झाड़ू ले रहे हैं महिलाएं के, आ नारी भाजपा स्वागत करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भले आप लोग के नैतिक जीत है, लेकिन सरकार अभी टस से मस नहीं हो रही, सरकार ऐसे ही अंग्रेज की भी टस से मस ना हुई थी दो साल, ये सुधार के जाएंगे, टस से मस करा के जाएंगे। एक बार बताओ 5 क्विंटल के भैंसे को 5 क्विंटल के सांड को किसान बगल में देकर नाल दे दे दवाई की, ये तो 1 क्विंटल के ही है, इन्हें नाल देकर दवाई देकर जब ठीक करके जाएंगे।
आप लोग कट्टर हिंदू नहीं। अरे हम पे से गलती हो गई, हमने पहले दिन ही आके गोला लाठी लगा दी सरकार के, अगर गोला लाठी अब उस पर खुल नहीं रही सरकार पे, अब ये गलती हमारी, हम पहले ज्यादा जल्दी लगा दी। कट्टर हिंदू नहीं हो अभी, मोदी जी कट्टर हिंदू हैं। अरे हमसे बड़ा हिंदू है कोई किसान से बड़ा? एक बात बताओ, किसान से बड़ा अन्नदाता या जो सबका पेट पालता है, पेड़ पौधा से लेकर चिड़िया जीव जंतु सबका, पूरे जो चक्र है फसल चक्र को पालता है, पूरे को जीवन चक्र को पूरे को पालता है, वो तो सब चीज को। आपसे तो सिंगर साहब उम्मीद थी कि आप कम से कम चंदा वसूली अभियान में लगते। कायम है का बेकारी है, हम अपने धर्म की दलाली कर रहे हैं। साल बाद हिंदू राष्ट्र की सरकार आई है, हिंदू राष्ट्र के नाम पे गुलाम बनने जा रहे हैं। जो टोपे जो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र आ रहा है, कौन सा हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र तो केवल बेवकूफ बनाने के लिए है, जो राजपूतों को और ब्राह्मणों को काय का हिंदू राष्ट्र? बेवकूफ हो रहे हो क्या? और क्या कह रहे हो तुम, कट्टर हिंदू है जे? कट्टर औकात आ गई है सामने अभी, देखो 24 तारीख को आ रहा है जे। अरे 92 और 2004 में जो चंदा किया था जिसपे पूरा शोर मचा था, कोर्ट में भी केस चला है उसपे चंदे पे, तो पहले तो उसका ही हिसाब दे दो, अब ये नया शुरू कराते लोग, आप लोग हिसाब मांगेंगे? ऐसा है, कट्टर हिंदू वाला है, कट्टर हिंदू का जो गुंडा है ना योगी, 24 तारीख को आ रहा है, संघियों की मीटिंग है, जब ये मीटिंग करते हैं तब दंगे होते हैं, और जो खुद आपस में खून खराबा करके दूसरों पे आरोप लगाते हैं इनका। कहाँ रहे 24 तारीख नेवडा आ रहा गुरु, जैसे लोग गुरु के पाखंडी को। हाँ और सुनो क्या प्रोग्राम है 24? सुनो अर्णब गोस्वामी की चैट ने ना, एक वो सुखदेव सिंह गोगामड़ी क्या है, झांसी की रानी बाकी अर्णब गोस्वामी ने पूरा खोल दिया, कितनी बड़ी झांसी की रानी है, और जो कितने क्या कहा चैट में उसके लिए, नशेड़ी के लिए कुछ कहा, नशेड़ी पसेड़ी पता नहीं क्या, एक महिला फिर मुझसे मत गब्बा, मैं राजपूत। पीएम के लिए क्या कहा पता है? पुलवामा का हमला पूरा खोल दिया उसने, पुलवामा का हमला पूरा खोल दिया उसने चैट ने अर्णब गोस्वामी को। अब देखो वो गुंडे की शरण में आ गया है अर्णब गोस्वामी, यूपी में योगी जी गुंडा है। अरे 28 मुकदमे दे तो का महात्मा के लगे काऊ के, अब इसने सत्ता में आके अपने गुंडे ने मुकदमे माफ करा लिए तो का साहूकार बन गया, जैसे जब भगवा चोला पहन के अपनी गुंडई छुपाए फिर रहे ना, जो अपराधी बलात्कारी अपने आप को भगवाधारी सन्यासी कहे, अब देश जान गया है जो भगवाधारी गुंडे हैं, अब तो हमारे धर्म गुरुओं को अपना दामन और अपने गुरु और इस भगवे के विश्वास को बचाने की जरूरत है, साधु सन्यासियों को शंकराचार्य जी को मठ में बैठ के आरती मत उतारो। अब तक आप कहीं एक भी पंडाल नहीं लगा किसी बड़े मंदिर का? क्यों बताओ ना, आप लोग कट्टर हिंदू आप बताओ क्यों? अरे आप एक बात तो बताओ, जब हम दो बार पहले चंदा दे चुके हैं, अब तीसरी बार कैसे दे दे? नहीं हिंदू बड़ा के हिंदुस्तानी बड़ा? अरे हम हिंदू को क्यों बना, हम बनेंगे हिंदुस्तानी, हमें हिंदुस्तानी, पहले भारत है ये, जाति धर्म बाद में बना, ये पहले है आर्यवंशी होते थे, ये तो बाद में इन्होंने बांट दिया नेता पेताओं ने, हमारा बनना हिंदू बिंदु, हमें हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। आप जो कह रहे हो ना, आपके किसी भी हिंदू का मतलब वो नहीं लगा, अब ऐसा आरएसएस के गुंडे बैठे हुए हैं मंदिरों में, अब हमारे मंदिरों पे जो हमारे पूर्वजों का खजाना है ना, जो मंदिरों का, उस पे लूट होने वाली है, अगर आज हिंदू नहीं जाएगा ना तो आने वाले कल में जो मंदिर भी लुट जाएंगे किसी ना किसी बहाने पे, कि देश डूब रहा है क्या, वो डूब रहा है, देश डुबा दिया इसने तूफान ने, जो अपने आप को 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने जा रहा था, है इतना बड़ा लुटेरा, देश बेच दिया। अब 265 टन मूर्ति स्थापना करनी होती है, मंदिर बनने में सिर्फ मूर्ति स्थापना करनी होती है, इतना जगह चाहिए होती है मूर्ति स्थापना की, उसके बाद जो लोग आते हैं मंदिर में दर्शन करने आते हैं। एक बार हर हर मोदी बोल दो, भाग भाग मोदी क्यों बोलते हैं? किसानों के बिल पास कर दो फिर बोल देंगे, बिल तो पास कर दिया ना, जो किसान चाहता है वो वाले बिल पास। मुझे इस ढोंगी बाबा का एक झूठ आया है 1 महीने पहले, हमने सुना, हम भी खुश हुए भाई, कर दिया दिखा कुछ काम बागड़ बिल्ले ने, टीवी वाले कुत्ते भौंक रहे थे किसानों का बड़ा तोहफा, मोदी जी का बड़ा तोहफा, हम भी सब देखे वहां का टीवी, देखा जा क्या हुआ, तोहफा मिला वहां, हमने देखा तोहफे में क्या था, सुनो वहां तोहफे में क्या था कि 60 लाख कुंटल का आयात खोल दिया चीनी का, मैं क्या लगा रहा मूर्ख गधे, यो तो लाला की चिन्नी है, किसान का तो गांडा है, मैं सोच रहा 650 कर दे दिखा भाव गांडे का, और इनने लालाओं की चिन्नी बेच कर सीधा खाते में जाएगा पैसा, जैसे जैसे के किसान के गांडे बिकेंगे अब पैसा जाएगा भिखारी को, क्यों भाई? अरे नू तो शर्म कर लेता कि किसान को तो मत भगा, 3-4 घंटे किसान भ्रम में रहा, मैं भी रहा, मैं घर जाकर टीवी खोला, मोदी का तोहफा देख के पता चला आयात खोला, और टीवी इसके जो वे एजेंट दलाल टीवी वे भोंक रहे थे किसानों को बड़ा तोहफा सीधा पैसा, अरे चिन्नी भी गई लाला जी की, 100 भी क्या आप लोग समित पात्रा से बहस कर लोगे? समृद्ध पात्रा कौन भांड है वो तो उसमें तो एक बात का भी जवाब ना, हमारी समृद्ध पात्रा एंकर होना चाहिए, सोशल मीडिया का आदमी,
और समृत पात्रा भी सवाल दे, जवाब दे, हम भी दें। 10 में से दो पर बहस कर लोगे मोदी बीजेपी समर्थकों से? हाँ, पूरे जो बीजेपी वाले आके बैठ जाए, अगर नंगा करके नहीं जाए, इन्हें जे भी जे नहीं लगेगा कि हम कुछ कपड़े पहने हैं। इन पे बहस करने के लिए है ही क्या? हिंदू मुसलमान जाने क्या ये देशभक्ति के नाम पे या राष्ट्र कैसे चलाना है? तो 6 साल से पीएम बना बैठा है जी, अपने आप को हिंदुत्व का नेता कहता है, देश डुबा दिया इसने। तो जेसीबी सुने आप लोग मंगवा रहे हैं? क्यों है? जेसीबी हमारे का है, मंगवाएंगे नहीं? जेसीबी हमारे नहीं है क्या? जेसीबी तो वो शिवसेना वाला, क्यों किसान का यंत्र नहीं है वो? जेसीबी हम गड्ढा खोदते हैं, भराव करते हैं, खेत को एकसार करते हैं, वो भी तो हमारा यंत्र है। लेकिन आप लोग सरकार को चैलेंज कर रहे हैं। देखो पूछता है भारत करता है ना जी अर्नब, उसकी चैट ने जेबी खोल दिया, न्यायपालिका बिकी हुई है। अभी तक तो आलोचना के नाम पे बेचारे प्रशांत भूषण से 1 रुपए का जुर्माना ले लिया, धितकार हो ऐसे कोर्ट पे खोल दी। लोगों के तो पक्ष में फैसला आया, कोर्ट ने कह दिया कि हम दिल्ली पुलिस के पाले में गेंदगार तो थी। दिल्ली पुलिस पिछले 6 साल से क्या कर रही है? जो का सरकार के खिलाफ बोले उन पे मुकदमे लगा के UPA PA लगा के जेल में डाल दो। दिल्ली मुसलमानों की पुलिस को गुंडा पुलिस, अरे तो मुसलमान, ये तो बात कहने की है, देश के हिंदुओं को टोपी पहनाने की, समझ में आई? अब देश के किसानों के ऊपर भी तो मुकदमा यही लगा रहे हैं NIA वाले। साध्वी आप लोग हिंदू है कि किसान है? साध्वी को तो क्लीन चिट देना चाहते हैं। किसान, हिंदुस्तानी किसान, किसान की और सेना की कोई जात नहीं है, भारतीय सेना और किसान की। और ये संदीप पात्रा तुम्हारा दो कौड़ी का आदमी दलाल साला दल्ला कहता है मोदी देश का बाप है, औकात बता दिया देश के बच्चों बच्चों ने। पता क्या कह रहे बच्चे? आलू अभी कच्चा है, मोदी बच्चा है। सुनो, आप अभी कह रहे थे सरकार पे दबाव बना रहे हैं, क्या चौकीदार पे मालिक दबाव बनाता है? अरे मालिक आ गया, देश का मालिक, दरवाजे फड़ा चोरों के, गेट क्यों नहीं खोल रहे हो? 55 दिन हो गए, गेट खोलो और जवाब दो। अगर इनकी नियत में खोट नहीं था, चोर नहीं थे, दरवाजा बंद करे क्यों बैठे? वो रहा दरवाजा बंद, बाहर कहते आइयो भाइयों बहनों, कष्ट बताइए। किसान कहता कान उल्टा, बोले ले लिया जैसे सोले की बसंती, बोले हो गया हाजिर सर, और बोले आए, बोले होगी दुगनी, 650 भाव कर दिया, गेहूं का 3700 कर दिया, 10 मिनट में फैसला हो जाता। अगर ये चोर ना होते तो ये ना गेट बंद कर लिया चोरों ने, क्योंकि चोर जब चोरी करके भाग जा गेट ना खोलता है। ये मोदी सरकार चोर, और ये किसान आया, मालिक है देश का, प्रोडक्ट है मोदी। अब तक तो अंबानी रानी को मान जाना चाहिए। देखो अंबानी हमारी एक किसानों की वो है इंटेलिजेंस, हमारी भी अपनी एक जासूस यंत्र है। हमारी जासूस यंत्र ने परसों खबर दी कि फोन आया अंडा दानी का, इस पर के मोदी कान उल्टा तुम ले रहा। इन्हें नहीं बस आप मेरी इतनी मजाक कहाँ? अब हम जांच करा रहे हैं, बात सत्य है झूठ है? अब हमारे हमें खबर है कि वो धमका रहे हैं, कानून उल्टा मतले। सुप्रीम कोर्ट भी आप लोग के नैतिक जीत तो है, अब क्या समर्थन नहीं मिल रहा है, लेकिन सरकार तो ट्रस्ट से 56 इंच का मामला है। देखिए एक बात तो तय हो चुकी है, कहते थे किसानों की समझ में नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश समझ में आ गया, तीनों आदेश समझ में आ गए, बिल गलत हैं, और ये कहते हैं 56 इंची। अरे काहे का 56 इंची? अरे धरती हमने लहू से सींची है, हम किसान हैं, धरती हमने लहू से सींची है, तुमने नफरत की दीवारें खींची हैं, तुमने नफरत की दीवारें खींची हैं, कैसे दिखाओगे मुंह अपना, आज तुम्हारी नज़रें नीची हैं। और तेरा कहे का 56 इंची, देखो किसानों का 5600 इंची है, 5600 इंची हैं। और कहते हैं नक्सलवादी, हमें आतंकवादी, और JCB पूछ रहे थे किस लिए लेके आए थे? JCB तो हम पंजाब से निकले थे, हरियाणा की जो सरकार की तोड़ी सड़कें वो ठीक करके आए थे वापिस। अरे तोड़ी सड़कें कर ठीक आए हैं, रोक ना पाए तुम्हारे मुंह पर पोत काली खाए हैं, दिल्ली का इतिहास फिर से लिखाए हैं, उठकर देखो दिल्ली दरवाजे, दिल्ली मालिक आए हैं, दिल्ली के मालिक हैं हम। और क्या कहता है योगी, अभी योगी की बात चल रही थी, इसने हमें रोकने का काम किया, मैं यमुनानगर से होकर आया था और पुलिस वालों ने झंडा देकर बोला कि आपको यहां से मत जाओ, हमें आदेश आया हुआ कि किसानों को रोकने का, वो किसान के बेटे थे, हमें यहां से बीच रास्ते से निकाले। जब मैंने कहा मैं एडवोकेट हूं, और योगी को भी 2 पंक्तियां सुनाना चाहता हूं, अरे योगी जी किस बहम में आप जी रहे हो, ये भ्रम तोड़ दो अपना। चले थे पंजाब से, खट्टर भी ना रोक पाया था, चले थे पंजाब से, खट्टर भी ना रोक पाया था, पहुंचे थे दिल्ली, देख मोदी को पसीना आया था, और भूल गया अपने दिन, भूल गया अपने दिन जब पुलिस के लठ पड़े थे, सबको पता क्या क्या होया था, छिप कर बैठा था कोने में, संसद में फूट फूट कर रोया था। चलिए रुके रुके बस हो गया, अब अरे रुके भाई, 3 लोग हैं यहाँ, नाम बताइए आप अपना। हमारा नितिन प्रताप सिंह सेंगा ठाकुर साहब कहते हैं हमसे। अपना एड्रेस बताइए। एड्रेस बताएं योगी को रेट भरवाने के लिए, NIA का छापा पड़वाने के लिए। डर लग रहा है ना? डर गाएगा, यहाँ खड़े जाति ढोक के बात करना, डर गाएगा? अरे ये वो इतने नीचे ना, हमारे छोटे छोटे बच्चों को परेशान करने लगे। ये अपने आप को 56 इंच की छाती वाला कहता है, जो किसानों के घर NIA भेज रहा है, और आतंकवादी को घर में बैठा ले संसद में। मेरा कार्ड भी है, एडवोकेट साहिब सिंह गुजर, जिला यमुनानगर से आया हूँ, हरियाणा से होके आया हूँ। मेरा नाम जय कुमार मलिक है, जनपद गाजियाबाद रहने वाला,
जनपद गाजियाबाद का हूँ। अगर किसी को किसान आंदोलन पर कोई भरम है, किसी परिवार से हूँ और किसानों की बात करता हूँ, अगर किसी टेलीविजन चैनल को अच्छे वक्ता की जरूरत है जहाँ टीआरपी आए, तो इन तीनों पैनलिस्ट को बुला लीजिए। और किसी नेता की जरूरत नहीं है, बीजेपी के कोई नेता, आरएसएस के कोई नेता, कोई बिल के समर्थकों से इनकी बहस करवा लीजिए। मैं टेलीविजन के प्रोड्यूसर होने के नाते कह रहा हूँ, मैंने लंबा 12 साल काम किया है, आपकी रेटिंग भी शानदार आएगी और किसान आंदोलन का नफा नुकसान भी आपको समझा देंगे। लास्ट की दो पंक्तियाँ, जाएगा ट्रैक्टर दिल्ली में, जाएगा ट्रैक्टर दिल्ली में, रोक नहीं पाएगा, तुम छिप कर बैठोगे, तिरंगा मेरा किसान फहराएगा, तिरंगा मेरा किसान फहराएगा, हम हैं समुद्र। अगर ये साबित हो जाए कि मोदी जी अडानी और अंबानी के फेवर में बिल लाए, तो क्या मोदी जी जेल जाएंगे? क्योंकि गलत करने वाला जेल जाता है, मेरा आपसे यह आग्रह है। ये किसान सब नेता हो गए हैं। अच्छा, राहुल गांधी का आप लोगों ने सुना आज? राहुल गांधी का सुना आप लोगों ने? सुना है। कैसा लगा राहुल? वो हमेशा वो चीज बोला जो देश के साथ, जो इनने गद्दारी की हर चीज उन्होंने उजागर की। अगर देश राहुल गांधी की आवाज सुनना होता ना, तो आज इन परिस्थितियों में यहाँ पे हमारे साथ सब तो बीजेपी वाले उनको पप्पू कहते हैं। अरे कौन कहता है, आज देश को पप्पू बना दिया इन बीजेपी वालों ने। हमारी रेलवे बिक गई, एयरपोर्ट बिक गए, हैं क्या नहीं बिगाड़ दिया देश का इन्होंने, पप्पू हम बन गए। वो पप्पू नहीं है, उसने हर बात देश को सच्चाई बताई। वो राजीव गांधी जी के लड़के हैं जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, इन जैसे नहीं है। अरे ये खुद गप्पू बना हुआ है, इतना झूठ बोलने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्या कहता था मैं स्वच्छ भारत अभियान नीरव नीरा ले गया, आपके सामने हुआ ना, नीरव नीरा ले गया, मल माल ले गया, सोता रहा चौकीदार, ना दिया ध्यान है, हमने पूछा वो बोला भाइयों बहनों यही स्वच्छ भारत अभियान है, यही स्वच्छ भारत अभियान है। यूके के संसद में इन तली पारों की बड़ी देख लो आलोचना हो रही है, आपके देश का मीडिया नहीं दिखाएगा। यही रजत शर्मा जो दलाली करता है, यही अर्णब गोस्वामी अब कहाँ भाग रहा है, चरित्र आज पूरा देश समझ गया शंभू भाई। अब आगे आने वाले दिनों में ये देश के गद्दार कहाँ जाएंगे, बस ये देखना बाकी। देखो राहुल गांधी पूछ रहे थे आप, राहुल गांधी बेचारा विदेश में पड़ा, उसकी सबसे बड़ी गुनाह ये है उसे हिंदी कम समझ आती है। वो इस भाजपा ने उसके सारे सचिव खरीद रखे हैं, वो बोलना कुछ जा लिख के कुछ दे दे उससे, जब तक वो बोल दे, जब तक ये ताली बजा दे, उसका चूतिया बना दिया शरीफ लोंडे का, उसे उसका स्टाफ खरीद रखा स्टाफ। अरे राहुल गांधी सब मैं जूत मार के बाहर निकाल, और देसी पढ़े लिखे ला तो जो असली लिखे देश देश हित में, उस बेचारे को पता ही ना होता हिंदी में लिख के आ रहा, उसे पढ़ना हो उसे घर जाकर समझ पावे, जब टीवी चिल्लाता रहे राहुल गांधी यो कर गया। ये मोदी जी, मोदी ने खरीद रखा सब, ये इसका स्टाफ खरीद रखा है, बात उसकी सही होती है। अर्णब की चैट में खुल गया जब न्यायपालिका ही खरीद रखी है और उसकी जमानत भी इस बात का प्रणाम। तो किसान जमीन, किसान किसान जरूर जमीन के लिए आंदोलन कर रहा है, लेकिन उसे इस देश की चिंता है और उसे हर चीज की खबर है, वो बेखबर नहीं है। चौधरी चरण सिंह कहते थे ये देश का तभी भला होगा जब किसान की एक नज़र दिल्ली पर और दूसरा नज़र खेत पर होगा, और ऐसा पहली बार पिछले 30 सालों में होने जा रहा है। मुंबई में एक हमारी भाभी बैठी है मुंबई में, वो कौन? अरे हमारा भैया धर्मेंद्र, वो किसान पुत्र है, उनने गैर बिरादरी में ब्याह कर लिया। वो पिछले बार गेहूं के सीजन में आई थी गेहूं काटने, भाभी गेहूं का सीजन आ रहा पकड़ने वाला आ जा, तो यूपी से ही सांसद है, मथुरा से ही, उनने गेहूं काट के दिखाया था, बेचारी कमर में मोच आ गई, गेहूं काटने का नाटक कर रही थी। अरे मशीन में अब क्या घेरे तू लगाई है, भूस हम ढोंगे, अब क्या खेती करेंगे असली, और असली किसानों में आ जा। ये सुन मेरी बात, ये तो आएगा नहीं भैया को संदेश है धर्मेंद्र भैया को, कि इसे लाभ पकड़ के और ऐलान कर दे इस भाजपा सरकार को कि अब बसंती कुत्तों के सामने नहीं नाचेगी, अब बसंती कुत्तों के सामने नहीं नाचेगी, अब बसंती अपने घर में किसान के साथ जाएगी। लेकिन एक भी सांसद नहीं बोल, बात सुन लीजिए आप हमारी, जब यहाँ पे महात्मा टिकैत जी ने धरना दिया था ना दिल्ली में, तो देश की सरकार ने सम्मान दिया था, जो आज उनकी यहाँ पे सेना है, ठीक है, और इतना सम्मान दिया महात्मा टिकैत जी को कि जो राजनाथ सिंह और जो कृषि मंत्री जैसे हैं ना, जे दल्ले ये पैर छुआ करते थे महात्मा टिकैत जी के, जिनकी जो सेना है। और आज जब महात्मा टिकैत जी के लड़के यहाँ बैठे हुए हैं, तो यही दल्ले जो बाबा टिकैत के पैर छूते थे, आज ये दल्ले हमें कह रहे हैं अफगानिस्तानी और क्या आतंकवादी खालिस्तानी हमारे घर पे NIA के सम्मान भेज रहे हैं। पहचान लो देशवासियों, कौन अपना और कौन पराया है, आज अपनी मुसलमान टाइट है ना, भारतीय माँ की इज्जत पे आन पड़ी है, ये वही धरती माता जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, जिससे सीता माँ ने जन्म लिया है। अरे तो मुसलमान तो टाइट रखा है सरकार, अरे मुसलमान क्यों टाइट रखा है,
क्या मुसलमान अपराधी है? देश तो ये भगवादारी गुंडे बेच रहे हैं। मुसलमान ने क्या किया? मुसलमान ने क्या किया? अगर अपराधी मुसलमानों में है, मुसलमान कोरोना लेके आया, कौन कहता है? कोरोना नाम की तो कोई चिड़िया नहीं है, नहीं वरना इतने जिसपे 100 करोड़, जिसपे इस देश के 200 करोड़ रुपए लुटा दिए इसने, इस मूर्ख ने, गधे ने, इसे न पता वहाँ आज उनकी अंतिम रात है, वहाँ कोरोना है, उसे न पता, उसे तो समझ में आ गई बात। अरे एक बात बताओ, ये हमसे तो कह रहे हैं चीन का बहिष्कार करो, स्वदेशी बनो, हम तो बन गए स्वदेशी। 3,000 करोड़ की मूर्ति बनवाई चाइना से, इस पर मूर्ति बनानी भी ना अति गति पे। अरे मूर्ख यही बनवा लेता, जयपुर में बने। अरे ऊंचे लगाने की जरूरत थी, अपनी स्वदेशी लगाता, स्वदेशी स्वदेशी हमसे कराएगा। बाबा रामदेव की और बारी है, ऐसे भगा भगा के मारेंगे, ऐसे योगा करवाएंगे, चिंता मत करो। तो देखिए भाई, किसान आंदोलन में वो हर बात जो पिछले 6 साल से चल रहा था, किसान, मैं फिर कह रहा हूँ, ये 3 पैनलिस्ट है, किसी चैनल पर बुला के बहस करवा लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको तय करना है कि आप इनकी बात सही है या जो सरकार कह रही है, जो इनकी बात दिखाने के लिए सिर्फ यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, सरकार की बात कहने के लिए टीवी और अखबार है। आपको तय करना है कि किन की बात सही है। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। कि आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं।